हाय गाइस, आई एम दीपक पाल, बैटिंग कोच ऑफ इंदौर क्रिकेट क्लब। आज हमारा बैटिंग का टॉपिक है कि बॉडी बैलेंस प्लस बैटिंग में बेनिफिट होगा, तो आज हमारा पार्ट नंबर 7 आने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बैटिंग ड्रिल नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें आपको कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी, नॉर्मल वो खड़ा हो जाएगा, पूरा स्टांस लेगा, उसके बाद आपको बॉल ड्रॉप करना है। लास्ट टू, लास्ट बॉल। गाइस, ग्रेट ड्रिल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें आप मैं बेस का यूज करूंगा, जिससे बॉडी बैलेंस बनेगा। इसके अंदर पहले से आप फ्रंट फुट में आ जाओ और बेस के ऊपर रखना पैर, ठीक है। अब गाइस, में पूरा खेल जो रहेगा पूरा इसमें सिर्फ बॉडी बैलेंस का रहेगा। अपर बॉडी ज़्यादा आगे बताने दो। बैट स्विंग, पास, पास, शॉट। सो गाइस, इन्होंने अभी थोड़ा मैंने स्लो कराया है, अब मैं कंटिन्यूशन में इनको कराऊंगा तो इनका बॉडी बैलेंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गाइस, इन्होंने पैर रखा था उस तरह, क्या होगा कि इनका बॉडी बैलेंस बनेगा। ये अपना अपर बॉडी आगे लेकर आ रहे हैं, ज़्यादा आगे लेके गया तो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा, ऊपर रख लिया तो इनका बॉडी जो अपन बोलते हैं ना झुक के खेलना, वो नहीं खेल पाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से आपको पूरा एक बैलेंस में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा आगे जा रहे हो ज़्यादा पीछे, एक डायरेक्शन में लेके एक जगह स्टिल होके आपको कंटिन्यू शॉट मारना, इससे आपके आर्म्स भी अच्छे होंगे और प्लस आपका बॉडी बैलेंस भी अच्छा होगा। सो गाइस, ड्रिल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, हम कवर ड्राइव भी मारेंगे, स्ट्रेट ड्राइव भी मारेंगे, ऑन ड्राइव भी मारेंगे, तो तीनों साइड पर अपना बैलेंस आना चाहिए, इसलिए मैं अलग ड्रिल करा रहा हूँ। बाउंस में भी चलेगा और सिंगल बाउंस में भी आप मार सकते हो। स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, तो गाइस ड्रिल नंबर 3 में आपने देखा था, इसको मैंने ऑलरेडी पहले से सेट कर रखा था फ्रंट फुट के लिए और एक कंटिन्यू शॉट मारा था। अब मैं इसको नॉर्मल स्टांस से लेकर फ्रंट फुट में कन्वर्ट करके फिर ये शॉट मारेगा, तो उसमें बॉडी बैलेंस में कुछ ना कुछ फर्क आएगा, आप देख सकते हैं। स्टैंडिंग पोजिशन में रहना है, देन स्टांस पे कंप्लीट करके फिर आपको फ्रंट फुट आना है। चलो बैक, स्ट्रेट ड्राइव, पीछे ला पैर आगे नहीं आएगा, बैलेंस बनाओ। मैं बॉल का रीच जोर कर दूंगा तो इनका बैलेंस और बिगड़ेगा थोड़ा सा, बाकी ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोफेशनल प्लेयर है। शॉट, बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाओ, चेंज, ऑन ड्राइव, बॉडी बैलेंस, थक गए हो, आओ पूरा बॉल पे आओ। लास्ट टू, लास्ट टू, लास्ट टू, लास्ट बॉल,
सो गाइस ड्रिल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं इसको बैट विदाउट बैट कराने वाला हूँ। ये सारे स्ट्रेट ड्राइव के रहेंगे। और आगे आगे पकड़ो, ठीक है। कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव, लास्ट टू, सो गाइस इसका बेनिफिट यही है कि बैट्समैन फ्रंट फुट के लिए आता है तो जब भी आता है तो किसी का बैलेंस ऊपर नीचे होता है, किसी का बॉडी गिरता है, तो उसके लिए ये है कि आप आगे आगे बॉल पकड़ रहे हो कंटिन्यू तो इसका बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप ये कंटिन्यू आ रहा है तो अपर बॉडी आगे आई, प्लस फ्रंट फुट आया, नी बैंड हुआ, हर चीज़ प्रॉपर होगी तो आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। कुछ भी चीज़ एक भी ऊपर नीचे हुई तो आपका बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप जितनी भी ड्रिल्स आप करोगे कंटिन्यू तो आपका बैलेंस बनने लग जाएगा। और आपको इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। सो गाइस आप कभी भी आप शॉट खेलते हैं तो आप जब भी शॉट मारते हैं आपका बॉडी बैलेंस गिरता है, बॉडी गिरती है, आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो आपके शॉट एयर में जाते हैं। अधिकतर आप क्या होता है कि मैच खेल रहे 3 रन भागा, आप थक गए हो, आपने फ्रंट फुट पर शॉट मारा, आप नहीं कनेक्ट कर पाए, स्टंपिंग भी होने के चांस रहते, आपकी बॉडी गिर गई तो आप क्या होगा, पैर भी उठेगा तो आप स्टंपिंग होने के चांसेस रहेंगे। तो आप ये ड्रिल करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा भी आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, उसके ऊपर हमारे आने वाले टाइम पे वीडियो बनेगा। और आई होप आपको ये ड्रिल अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।